स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपके लिए डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होगा डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पे। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ थ्रेड एंड मूव अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे दो बॉडी हैं, बॉडी बी है जिसका वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन, सॉरी बॉडी ए का वेट है 200 न्यूटन और बॉडी बी का वेट है 800 न्यूटन। बॉडी बी को 400 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है, बॉडी बी को 400 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है। और जो बॉडी बी है ये अटैच है बॉडी ए से विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग, एक रस्सी से बंधी हुई है दोनों। इसका मतलब ये होगा कि दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन जो होगा वो सेम होगा। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपकी रफ है जिसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.3, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। आगे कह रहा है डिटरमाइन द एक्सीलरेशन ऑफ टू बॉडीज एंड टेंशन इन द थ्रेड यूजिंग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। हमें फाइंड करना है इन दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा और हमें फाइंड करना है इस थ्रेड में कितना टेंशन होगा। तो आप जानते हो जब इस 800 न्यूटन की बॉडी को हम लोग पुल करेंगे 400 न्यूटन से, तो इसमें जो स्ट्रिंग है इसमें क्या होगा, यहाँ पे टेंशन होगा। तो हम ये मान लेते हैं टेंशन टी है। और चूंकि दोनों बॉडी एक स्ट्रिंग से एक थ्रेड से यहाँ पे अटैच है, तो दोनों का एक्सीलरेशन ए होगा। तो हम मान लेते हैं लेट द एक्सीलरेशन ऑफ टू बॉडीज इज ए, मैं यहां पर लिखता हूं इज स्मॉल ए। हम ये मान लेते हैं कि दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, स्मॉल ए है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, क्योंकि ये डायनेमिक्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे बॉडी स्टैटिक नहीं है, बॉडी क्या है, बॉडी में मोशन है और हमें मोशन के साथ साथ इसके कॉजेस की भी एनालिसिस करनी होती है इन काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज करते हुए हम लोग एक एक बॉडी की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी ए को कंसिडर करते हैं, कंसीडरिंग बॉडी ए। तो बॉडी ए का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इफ वी विल मेक ए बीडी ऑफ बॉडी ए, तो कुछ इस टाइप से बनेगा बॉडी ए का फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी ए का जो वेट होगा ये 200 न्यूटन डाउनवर्ड ऐड करेगा और इसमें टेंशन कितना है, इसमें टेंशन टी। ये इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देंगे जब बीडी बनाएंगे। आप लोगों को मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया है तो मुझे उम्मीद है बीडी बनाना आप लोगों को आता होगा। तो टेंशन टी होगा यहाँ पे। और जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों सरफेस के लिए, दोनों बॉडी के लिए कितना है, 0.3 है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ये कितना हो जाएगा, 0.3 R। आर कितना होगा, हम आर मान लेते हैं, बॉडी ए है तो इसको हम लेते हैं आर ए। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा इस कांटेक्ट पे जो रिएक्शन आएगा इसको मान लेते हैं आर ए। तो रिएक्शन नॉर्मल एक्ट करेगा तो ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स 0.3 R A। अच्छा, ये तो बात हो गई है बीडी की। अब हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि ये बॉडी मोशन में है। तो मोशन में है और मोशन की टेंडेंसी क्या है, मोशन की टेंडेंसी है इसकी राइट वर्ड। मोशन की टेंडेंसी क्या है, राइट वर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें निगेटिव इनर्सिया ऐड करेंगे एज पर डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अपनी तरफ से क्या करेंगे, एम ए अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द मोशन। बॉडी हमारी ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में चेंज करने के लिए इसमें ऐड करेंगे एम ए। क्या ऐड कर देंगे, एम ए। एक्सीलरेशन ये है, बॉडी का मास मान लेते हैं क्या है, एम। तो अगर बॉडी का मास एम है तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, एम ए ऐड हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम m देख लेते हैं कितना होगा। तो हमें वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन इस बॉडी का वेट है, तो इसका मास कितना होगा, इसका m जो हो जाएगा ये हो जाएगा 200 अपॉन g, और g होता है 9.81, तो ma जो आ जाएगा ये आ जाएगा 200 अपॉन 9.81 a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को सॉल्व करते हैं, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें जब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आर ए माइनस 200 इक्वल टू जीरो, या फिर आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 न्यूटन, आर ए 200 न्यूटन आ गया। अब इसके बाद सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी माइनस 0.3 आर ए माइनस एम ए, माइनस एम ए इक्वल टू जीरो। इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, इसमें जब हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टेंशन है टी माइनस 0.3 इंटू आर ए, 0.3 इंटू आर ए, आर ए कितना आया 200, माइनस एम, तो बॉडी का मास कितना है 200 अपॉन जी, दैट इज 200 अपॉन 9.81, 200 अपॉन 9.81 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। या फिर यहाँ से अगर हम टेंशन फाइंड करना चाहें तो हम और करके लिख सकते हैं, और टी इक्वल टू आ जाएगा, टी इक्वल टू 0.3 इंटू 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा 60.0 मतलब 60, और ये माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 200 अपॉन 9.81 ए। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब बॉडी बी को कंसीडर करते हैं, नाउ कंसीडरिंग बॉडी बी, नाउ कंसीडरिंग बॉडी बी, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन है, आप लोग इसे सीख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो बॉडी बी का हमें बीडी बनाएंगे, तो बॉडी बी का अगर हमें बीडी की बात करें तो बॉडी की, बॉडी बी का जो वेट है ये कितना है, इसका वेट है 800 न्यूटन, ये डाउनवर्ड ऐड करेगा 800 न्यूटन, और इस सरफेस पे जो कांटेक्ट है इसका रिएक्शन आर बी, आर बी अपवर्ड ऐड करेगा, इसको 400 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऐड करेगा 0.3 आर बी, और यहाँ पे एक टेंशन भी है जो स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये वाला एरो इसके साथ जाएगा, यानी टेंशन टी। ये तो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है, इस डायनेमिक्स को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, और डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को स्टैटिक में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव इनर्सिया ऐड कर देते हैं, यानी माइनस एम ए उसमें ऐड करते हैं, या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि अपोजिट टू द मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एम ए ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे बॉडी का मास, बॉडी बी, जो बॉडी बी थी, सॉरी ये कौन सी बॉडी थी, ए, तो बॉडी ए का मास जो आया था कितना आया था 200 अपॉन 9.81। इस तरीके से अगर हम बॉडी बी के मास की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, वेट है 800, तो मास ऑफ बॉडी बी जो होगा ये कितना हो जाएगा 800 अपॉन 9.81। अगर हम वेट को जी से डिवाइड कर दें, वेट को जी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 800 अपॉन 9.81 ये मास हो गया इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या करना है, अपोजिट टू द मोशन हमें ऐड कर देना है। अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो अब अप्लाई करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा आर बी, आर बी माइनस 800 इक्वल टू जीरो, यहां से आ गया आर बी इक्वल टू 800 न्यूटन, यह आ गया आर बी। अब इसके बाद सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं,
तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बनेगी 400 माइनस टी माइनस 0.3 आरबी माइनस 800 अपॉन 9.81 ए इक्वल टू जीरो। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करने पे इक्वेशन बन गया। अब यहां से हम लोग टी फाइंड करते हैं, तो इस टी को राइट साइड लेके जाएंगे तो हम लिख सकते हैं, और यहां पे लिखते हैं टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये टी राइट साइड ले जा रहे हैं बाकी सभी पार्ट इसी तरफ रहेगा, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 400 माइनस 0.3 आरबी, आरबी कितना है 800 और माइनस 800 अपॉन 9.81 इंटू ए, 9.81 इंटू ए, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो टी इक्वल टू 400 माइनस 0.3 इंटू 800 करेंगे तो 240 माइनस 800 अपॉन 9.81 ए, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और टू को इक्वेट कर लेते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर वन से टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, तो यहां से टी इक्वल टू है 60 प्लस 200 अपॉन 9.81 इंटू ए इज इक्वल टू 400 माइनस 240 माइनस 800 अपॉन 9.81 इंटू ए। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन ए है, एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें एक ही अननोन है ए, तो यहां से एक्सेलरेशन ए फाइंड कर लेते हैं। तो 200 अपॉन 9.81 इंटू ए प्लस 800 अपॉन 9.81 इंटू ए इज इक्वल टू 400 माइनस 240 और ये प्लस 60 इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, ये आ गया 1000, 800 प्लस 200 कितना होगा 1000 अपॉन 9.81 इक्वल टू 100। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा 981 अपॉन 1000, इसका मतलब ये आ गया 0.981 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो एक्सेलरेशन जो हमारा ए आया, एक आंसर तो आ गया एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में इसको पुट करते हैं तो टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 200 अपॉन 9.81 इंटू ए, तो ए कितना आया 0.981, तो यहाँ से हमें टी मिल जाएगा, तो यहाँ से टी इक्वल टू आ गया, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 यानी 80 न्यूटन, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो हमें फाइंड करना था टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आ गया, ये आ गया 80 न्यूटन, और एक्सेलरेशन फाइंड करना था ये कितना आ गया 0.981 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन आया 0.981 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक आंसर। और दूसरा आंसर हमारा जो टी आया ये कितना आ गया 80 न्यूटन। तो बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम थी, दो ब्लॉक थे 200 न्यूटन और 800 न्यूटन के, 400 न्यूटन का फोर्स इसे राइट वर्ल्ड पुल कर रहा था, हमेशा जब बीडी बनाएंगे तो अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी क्या करेंगे, इनर्सिया फोर्स अलग से ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एम ए ऐड किया था, यहाँ भी एम ए ऐड किया है, यहाँ पे मास ऑफ बॉडी निकाल के आपको बताया था कैसे बलून्स को पुट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आसान सी प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।